हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो यार सब लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है शारिक और मेरे यूट्यूब चैनल एस के यूनिक टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट क्लेम वर्सेस कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, कैसे बचे, कैसे हटाए और किस तरह से ये आती है। सो कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, इनसे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं आपके चैनल के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में फुल वीडियो में आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना वरना फिर आप कमेंट में पहले ही कर दोगे भैया ये क्या। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक को अच्छे से समझो और कैसे बचना है इन चीज़ों से, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आखिर कॉपीराइट क्लेम क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। कॉपीराइट क्लेम के पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है क्या होता है कॉपीराइट क्लेम। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉपीराइट क्लेम की वीडियो देख सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। कॉपीराइट स्ट्राइक होती क्या है? सो राइट, कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी ब्रांड डेट मतलब कंपनी है, तो अगर आप या तो किसी भी चीज़ का गलत रिव्यू कर रहे हो या तो फिर एक तो गलत रिव्यू की वजह से वो कंपनी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकती है, यूट्यूब आपको वीडियो को टेक डाउन कर लेगा। एंड सेकेंड, आप किसी का भी कंटेंट यूज़ करते हो, किसी का थोड़ा सा भी सॉन्ग यूज़ करते हो ब्रो, दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आप सॉन्ग यूज़ कर लेते हो एंड किसी का कंटेंट यूज़ करते हो, तो जैसे आप अगर टी सीरीज कोई ले लो, आप वहाँ से कोई गाना अपने चैनल पर डाल दो, पहले तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम आएगा। अगर टी सीरीज चाहे तो आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आपके हाथ में होती है। मान लो अगर आपका भी कोई थोड़ा सा भी कंटेंट यूज़ कर लेता है तो आप भी कॉपीराइट स्ट्राइक उसको भेज सकते हैं, इस तरह से आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो कॉपीराइट क्लेम वर्सेस कॉपीराइट स्ट्राइक में मतलब आपको मतलब क्या डिफरेंस है और आखिर इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके चैनल के लिए, वो भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कॉपीराइट क्लेम जो आता है वो आपके वीडियो पर आता है, मतलब आपका वीडियो जो होता है उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है। एंड कॉपीराइट स्ट्राइक जो आता है वो आता है आपके चैनल पर भाई। तो कॉपीराइट क्लेम से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको मोनेटाइज में दिक्कत आ सकती है। एंड कॉपीराइट अगर स्ट्राइक है तो गाइज, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आते ही आपका चैनल यूट्यूब से ऐसा गायब हो जाएगा जैसे आपने बनाया ही नहीं था। कॉपीराइट स्ट्राइक से ज़्यादा बचे। और कॉपीराइट क्लेम तो तब हट जाएगा, मतलब आपने अगर वो वीडियो डिलीट कर दिया तो कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियो से हट जाएगा। एंड कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटेगी? सो गाइस, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में मैं सेकंड वीडियो जल्दी बना दूंगा, बट वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। तो इस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक वैसे 90 डेज के अंदर हट जाती है, 90 डेज में हट जाती है, मतलब 90 डेज में हट जाती है। एंड उससे पहले भी आपको हटानी है। मेरे चैनल पर भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, मैंने भी उसको हटा दिया था। तो गाइस, कैसे हटानी है 90 डेज से पहले वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गाइस यार, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में तो कमेंट में बताना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी बता दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक